हेलो फ्रेंड्स, आवर यू ऑल आई मास्टोस एंड वेलकम टू योर चैनल। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं बात करने यूनिट 3 ह्यूमन वैल्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों में कभी भी डाउट न रहे एक दूसरे में। ठीक, वह कौन सा वैल्यू है जो इन दोनों व्यक्तियों के डाउट को दूर करे, उसे ही बोला जाता है ट्रस्ट। एक दूसरे में हमेशा क्या बना रहे? हैप्पी बना रहे, प्रॉस्पेरस बना रहे, उसी को बोला जाता है ट्रस्ट। ठीक, तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक फंडामेंटल वैल्यू है इन रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। तो सम्मान क्या है? एक राइट इवोल्यूशन है। सम्मान क्या है? एक राइट इवोल्यूशन है। देखिए, जो कि इवोल्यूटेड होती है किसमें? मुझमें, आई एम। ठीक, तो रिस्पेक्ट मीन्स इनबिलिटी। द सेंस ऑफ इनबिलिटी इज प्राइम ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ स्टेप टुवर्ड रिस्पेक्ट। हर एक व्यक्ति का अपना अपना सम्मान होता है। तो सम्मान का अर्थ है व्यक्तित्व या फिर व्यक्तित्व का भाव प्रधान वस्तु है। यह सम्मान की ओर पहला बुनियादी कदम है। एक बार जब हमने महसूस किया है कि हम अलग अलग हैं, तभी हम जो है दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति का, हर एक पोस्ट का अपना अपना सम्मान होता है। अब यहाँ पे आता है अफेक्शन। तो अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। तो स्नेह दूसरों से संबंधित होने की भावना है। स्नेह तब होता है जब मैं पहचानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों जो है आपस में खुश रखना चाहते हैं, वही बोला जाता है अफेक्शन। आगे दिया गया यहाँ पे केयर। केयर मतलब क्या होता है? देखभाल। ठीक, क्या होता है? देखभाल। तो देखभाल की भावना हमारे रिश्तेदार के शरीर का पोषण और सुरक्षा करने की भावना है। द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू द नेचर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। केयर इज द लेवल ऑफ एक्टिव कंसर्न आर लाइक द नेग्लिजेंस टूवर्ड अवॉइडेंस ऑफ पॉसिबल डेंजर्स मिस्टेक्स पिटफॉल्स एंड रिस्क डिमांड ऑफ पार्टी एट ड्यूटी आर लीगल ऑब्लिगेशंस। वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी एंड द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग मतलब पोषण एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। तो वही हमारा होता है केयर मतलब देखभाल। अब आता है अगला गाइडेंस। क्या आता है? गाइडेंस। तो गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। ठीक, तो अन्य में सही समझ और भावनाओं को सुनिश्चित करने की भावना को गाइडेंस कहा जाता है। ठीक, अगर ये दोनों बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपको गाइड करें, आपको जो है मतलब ऐसा वैल्यू है कि एक दूसरे को एक अच्छे दिशा में ले जाते हैं। द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। क्या हो? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर इज कॉल्ड गाइडेंस। ठीक, तो गाइडेंस वही होता है कि अन्य में सही समझ, अन्य में सही समझ मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग और भावनाओं को सुनिश्चित करने की भावना को गाइडेंस कहा जाता है मतलब मार्गदर्शन कहा जाता है। अब देखिए, वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट द अदर इज सिमिलर टू मी इन हिज हर या फिर हिज फैकल्टी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब यहाँ डिजायर ऑफ वांटिंग्स कंटिन्यूअस हैप्पी हो गया, प्रोग्राम ऑफ लिविंग इन हारमोनी एट ऑल फोर लेवल। द अदर इज ऑल्सो सिमिलर टू मी इन द पोटेंशियल ऑफ डिजायर थाट एंड एक्सपेक्टेशन। तो यही हमारा होता है गाइडेंस। ठीक, अब यहाँ पे आता है रिवरेंस। क्या आता है? रिवरेंस मतलब श्रद्धा। तो दूसरों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने की भावना को ही श्रद्धा कहा जाता है। दूसरों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने की भावना को ही श्रद्धा या फिर रिवरेंस कहा जाता है। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सलेंस इन द अदर। यानी कि दूसरों की उत्कृष्टता को जो आप एक्सेप्ट करते हैं,
उसे को बोला जाता है रिवरेंस। तो वी अंडरस्टैंड दैट वी एस्पायर फॉर कंटिन्यूअस हैप्पी के लिए और रियलाइज इट वी हैव अंडरस्टैंड हारमोनी एट ऑल लेवल ऑफ आवर लिविंग एंड लिव अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा क्या होता है, रेवरेंस होता है। क्या होता है, रेवरेंस मतलब श्रद्धा होता है। ठीक, अब अगला आता है ग्रेटिट्यूड। क्या आता है, ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी। आभार क्या होता है, आपको मान लीजिए चोट लग गया, कहीं गिर गए आप, मान लीजिए यहाँ आप हैं, चोट लग गया, गिर गए, तो मान लीजिए यह व्यक्ति आपका सहायता कर दिया, तो सहायता करने के बाद जो भावना होती है वही हमारा होता है ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। आभार उन लोगों के लिए स्वीकृति की भावना है जिन्होंने मेरा उत्कृष्टता के लिए प्रयास किए हैं। आभार एक भावना है जो लोगों द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद होती है। अगर ये व्यक्ति आपका सहायता कर दिया तो वही जो भावना, यानी कि सहायता करने के बाद जो भावना जनरेट होती है वही हमारी कहलाती है ग्रेटिट्यूड। अगला हमारा आता है लव मतलब प्रेम। तो प्रेम क्या है, एक कंप्लीट वैल्यू है, एक पूर्ण मूल्य। देखिए लव में क्या होता है, रिस्पेक्ट भी होता है, सारा यानी जितना भी वैल्यू है सारा वैल्यू जो है लव में क्या होती है, समाहित होती है। तो इसीलिए बोला जाता है जो प्रेम है, जो लव है, लव क्या है, एक पूर्ण मूल्य है जिन मतलब कि जो लव होती है एक पूर्ण मूल्य है जिनमें सारी ह्यूमन बींग्स की भावनाएं इसमें समाहित होती हैं। हर चीज जैसे कि माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्ती का प्यार, यही हमारा होता है लव। तो लव में क्या होता है, डीप फीलिंग होती है, डीप अफेक्शन होता है। ठीक, तो यही देखिए एक फीलिंग दो प्रकार की होती है। अगर डीप फीलिंग हो, डीप अफेक्शन हो, किसी के बारे में आप सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें, तो यही मतलब होता है प्यार। तो लव का मतलब क्या होता है, डीप फीलिंग, किसी के बारे में ढेर सारा सोचो आप, ढेर सारा आपको दुख हो, दर्द हो, तो यही बोला जाता है लव। लव में क्या होता है, एक पूर्ण मूल्य होता है, यानी एक संपूर्ण वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो लव को पूर्ण मूल्य कहा जाता है क्योंकि यह सभी मनुष्यों से संबंधित भावना है। अब यहाँ पे आता है जैसे कि भाई बहन का प्यार, फ्रेंड का प्यार। ठीक, तो इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग दैट वन इज रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बींग्स एंड इट स्लोली एक्सपेंड टू फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे आता है अगला जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय। तो न्याय रिश्तों में मूल्यों की मान्यता है। जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू इन रिलेशनशिप, मतलब जो जस्टिस है, जो न्याय है, ये रिश्तों में मूल्यों की मान्यता है, उनकी पूर्ति और पूर्ति के सही मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप आपसी क्या होती है, खुशी होती है। अगर यहाँ पे राइट कहा गया जस्टिस रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू देयर फुलफिलमेंट द राइट इवोल्यूशन, देखिए राइट इवोल्यूशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन द म्यूचुअल हैप्पीनेस, जस्टिंग कॉन्सर्न्स इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन सोसाइटी, देयर आर फोर एलिमेंट रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यूज फुलफिलमेंट इवोल्यूशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड। When all the four are ensured, then justice क्या होगी, ensured होगी मतलब सुनिश्चित होगी। देखिए अगर ये चारों चीज़ को आपने पहचान लिया, वैल्यू को फुलफिलमेंट करना, इवोल्यूशन करना और म्यूचुअल हैप्पीनेस को, तो अगर इन चीज़ों को अगर आपने पहचान लिया तब यहाँ पे हो जाती है जस्टिस मतलब न्याय। अगला आता है डिफरेंटिएशन मतलब डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अनादर। तो अनादर का अर्थ यही है कि शरीर की विशेषताओं, भौतिक सुविधाओं या विश्वास के आधार पर अन्य को स्वीकार करना और सही मूल्यांकन ना हो उसमें, तो ये हमारा होता है डिसरिस्पेक्ट। अगर आपने अपने इरादे के अनुसार आपने आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, वही हमारा होता है इंटेंशन मतलब इरादा। तो इरादा वह वैल्यू है जो हमारी प्राकृतिक स्वीकृति की आकांक्षा करता है। इरादे में हर इंसान वही करना चाहता है जो उसके हिसाब से सही हो, जो उसके हिसाब से सही हो, व्हाट इज राइट। तो इन इंटेंशन एवरी ह्यूमन बींग वांट टू डू व्हाट इज राइट।
कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, ठीक। तो क्षमता क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता है, यानी कि जो कॉम्पिटेंस है, क्षमता आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता है, क्षमता की कमी हो सकती है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। अगर आप ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, डेवलप करोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे आप बहुत ज़्यादा उस पर, यहाँ पर डेली आप, जैसे मान लीजिए आपको मैथ है, मैथ आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो उस पर आप डेली प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी तो जनरेट होगी। तो ये बोला जाता है कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, क्षमता जो है आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता है, ठीक। क्षमता की कमी हो सकती है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। अब आगे यहाँ पे दिया गया डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो देखिए बताना है आपको डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में अंतर क्या है, ठीक। अगर इरादे में डाउट हो तो हमारा होता है रिएक्शन, अगर इरादे में डाउट ना हो तो हमारा होता है रिस्पॉन्स मतलब जिम्मेदारी। तो इरादे पर संदेह, जलन, गुस्सा होना, लड़ना, वो हमारा होता है रिएक्शन, और रिस्पॉन्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगला आता है डिफरेंट बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंटिएशन, ठीक। अगर रिस्पेक्ट जो है इसमें राइट इवोल्यूशन हो तो हमारा क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, राइट इवोल्यूशन ना हो तो डिफरेंटिएशन होता है, ठीक। अब यहाँ दिया गया डिफरेंटिएशन मतलब क्या होता है, अनादर होता है, ठीक। हम उस संबंध के स्तर पर देख पाते हैं, हम दूसरों के साथ संबंधित महसूस करते हैं, हम अन्य के इरादे पर संदेह नहीं करते हैं, तो यही हमारा होता है इसमें रिस्पॉन्स में। और डिफरेंटिएशन मतलब क्या होता है, अगर राइट इवोल्यूशन ना हो, राइट इवोल्यूशन ना हो तो रिस्पेक्ट होता है, अगर राइट इवोल्यूशन, एक सेकंड, अगर राइट इवोल्यूशन हो तो रिस्पेक्ट होता है, अगर राइट इवोल्यूशन ना हो तो डिफरेंटिएशन होता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर जनरेटेड बाय द राइट इवोल्यूशन, देखिए हम दिया गया ना, अगर राइट इवोल्यूशन हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो वही हमारा होता है रिस्पेक्ट, और इसी का उल्टा, इसी में जात पात आ जाए, हर चीज़ आ जाए, इसमें स्ट्रगल हो तो हमारा हो जाता है यहाँ पे डिफरेंटिएशन। जनरेशन का गैप हो, जेंडर बायस हो, कास्ट स्ट्रगल हो, पावर प्ले एंड डोमिनेशन हो तो डिफरेंटिएशन हो जाता है मतलब अनादर। तो देखिए रिस्पेक्ट का उल्टा होता है डिफरेंटिएशन मतलब अनादर। अब बताना है आपको कि डिफाइन करना है कि लव क्या है और हाउ कैन वी से दैट लव इज द कंप्लीट वैल्यू, ठीक। तो लव में क्या होता है, डीप फीलिंग होती है, डीप अफेक्शन होता है, दिस इज कम्प्लीट वैल्यू, ये सारा चीज़ आप बता देंगे तो ये हमारा होता है लव। तो लव इज कॉल्ड द कम्प्लीट वैल्यू एंड दिस इन द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स, इट इज द इमोशन ऑफ स्ट्रांग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट। देखिए प्रेम में क्या होता है कि डीप फीलिंग होती है, डीप अफेक्शन होता है, किसी के बारे में आप ज़्यादा सोचो। देखिए फीलिंग होता है दो प्रकार की, अगर फीलिंग ज़्यादा डीप हो, डीप अफेक्शन हो, सो दैट इज कॉल्ड लव। सो लव क्या होता है, लव इज ए कम्प्लीट वैल्यू, एक पूरे मूल होती है जो सारे ह्यूमन बींग की भावनाओं से जुड़ी होती है, ठीक। द वर्ड लव कैन रेफर टू वैरायटी डिफरेंट फीलिंग स्टेट एंड एटीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम जनरेटिंग प्लेजर, ये सारा चीज़ आप लिख देंगे इसमें लव में, पूरा मैंने ऊपर डिटेल्स बताया आपको। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार, माता पिता का प्यार। अब आता है यहाँ पे अगला कि व्हाट डू मीन बाय दी डिफरेंटिएशन रिलेशनशिप, व्हाट आर द इश्यू ऑन विद डिफरेंटिएशन इन रिलेशनशिप इनफ्लुएंटली इन द सोसाइटी, ओके। अब देखिए रिस्पेक्ट के बारे में बताना आपको, सारा चीज़ आप बता सकते हैं यहाँ पे, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हो, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट इवोल्यूशन हो तो हमारा होता है रिस्पेक्ट, और इसी का उल्टा हो तो डिफरेंटिएशन होता है। डिफरेंटिएशन का मतलब ही होता है अनादर, ठीक। तो रिस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग इनवेलिबिलिटी एंड डूइंग राइट इवोल्यूशन। अब ये राइट इवोल्यूशन होता है किसमें होता है, आप में होता है। आवर बेसिस फॉर रिस्पेक्ट टूडे इज लार्जली क्वाइट कंट्ररी टू आवर डिस्कशन एबव, इंस्टीड ऑफ रिस्पेक्ट बींग बेसिस ऑफ सिमिलरली
आर वन राइट रिवोल्यूशन वी हैव मेड इन टू समथिंग ऑन द बेसिक ऑफ विच वी डिफरेंट इज। तो देखिए, सम्मान का अर्थ ही है व्यक्तित्व या फिर व्यक्तित्व का भाव प्रधान वस्तु है। यह सम्मान की ओर पहला बुनियादी कदम है। एक बार जब हमने महसूस किया कि हम अलग अलग हैं, तभी हम दूसरों से अलग खुद को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, सम्मान होता है। सोशल में हो गया, दोस्तों में हो गया, रिलेशन में हो गया, पोस्ट पे हो गया, ये सारा चीज़ें आपका सम्मान में होता है। एंड दिस इज राइट इवोल्यूशन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी और इसी का उल्टा हो जाता है डिफरेंटिएशन। सोसाइटी के बारे में बताना तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ दिया गया है, टुडे वी आर डिफरेंटिंग इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट, वी अदर डिफरेंटिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीफ, मतलब विश्वास। देयर इज नो नोशन ऑफ रिस्पेक्ट इन द टर्म ऑफ राइट इवोल्यूशन, मतलब अगर राइट इवोल्यूशन ना हो। देखिए, मैंने पूरा बताया आपके यहाँ पे, देखिए राइट इवोल्यूशन अगर हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, अगर ना हो तो डिफरेंटिएशन, अगर हो तो रिस्पेक्ट। अगला दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रिस्पेक्ट क्या है बताना है आपको। और डू यू सी दैट दी अदर ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो सिमिलर टू यू, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिस्पेक्ट के बारे में पहले बता दीजिए। ठीक, देखिए रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, इनवर्टी दिस सेंस ऑफ इनवर्टी इज प्राइम, मैंने पूरा बताया भी आपको। देखिए, राइट रिवोल्यूशन हो गया, टू बी रूटेड एज आई हो गया, मैंने पूरा डिटेल से बताया आपको, ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं, वही बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ये सारा चीज़ आप वहाँ पर लिख देंगे, ये सारा चीज़। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना कि इफ़ वी रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ आई, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी, आई वॉन्ट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, द अदर टू वॉन्ट टू बी कंटिन्यूसली हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, नेक्स्ट टू बी हैप्पी आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमोनी एट ऑल फोर लेवल ऑफ माई लिविंग, द अदर ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमोनी एट ऑल फोर लेवल ऑफ हिज या फिर हर लिविंग। द एक्टिविटीज इन मी, मतलब मुझमें क्या वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, हो, वी कैन चेक दिस फोर आवर डिजायर थाट एक्सपेक्शंस, इट इज द सेम फॉर द अदर आई एज वेल। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका यहाँ पे और बेसिक एक्सप्रेशन इन द सेम, वी बॉथ नीड टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, मैंने पूरा बताया आपको सारा चीज, विच इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमोनी एट ऑल फोर लेवल्स of our living, our program action is the same, the activities and powers of the self and self are continuous and the same in the both of us at the level of I, our potential is the same, ठीक, thus other is similar to me, when we are able to see that the other is similar to me, we are able to recognize the feeling of respect in the relationship, if not we other either hold ourselves more or less than the other and this ओनली लीड टू डिफरेंटिएशन। ये सारा चीज़ मैंने भैया आपको डिटेल से पर बताया मैंने आपको, देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ आप वहाँ पे बता सकते हो, देखिए सारा चीज़। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, थैंक यू। तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ ह्यूमन वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।